का, हमारे महिलाओं का, इन लोगों का विकास को रोक दिया जाए, इन लोगों के लिए कोई काम नहीं हो, इसका प्रमाण भी है आप लोगों के पास में। आप लोग देख रहे हैं सभी स्कूलों को बंद कर दिया जा रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को सवाल से डर लगता है, वो किसी भी सवाल सुनना नहीं चाहती, वो क्योंकि जवाब उनके पास है ही नहीं। इन पिछले 5 वर्षों में उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जुमला आपसे कहा है, सिर्फ और सिर्फ गाने गाए हैं, भैया अच्छे दिन आएंगे, तो उन्होंने यही गाना गाया है। तो अब मैं आप लोगों से यही अपील करती हूँ पुनः, कि ऐसे ठगबाजों से इस बार सावधान रहे। ऐसे ठगबाज गांव घर में बहुत घूम रहे हैं, गेरुआ धारण करके घूम रहे हैं ना आपके गांव में, तो ऐसे लोगों को क्या सुन, ऐसे ठगबाजों को क्या करना है इस बार 12 तारीख को क्या करना है? ये लोग ऐसे ही आपको पिछले 5 वर्षों से जो ठग रहे हैं, कभी कहते हैं कि आपको 15 लाख देंगे, पता नहीं कितने का खाता में आए, सब खाता तो खुलवा लिए ना हम लोग 5 साल पहले, खुलवाए बिल्कुल सही बात। यहाँ पे चौकीदार की बात अगर हो तो यहाँ का जो चौकीदार है, जिसको हम लोगों ने 5 साल के लिए हम लोगों का रक्षा करने के लिए, हमारे गांव घर के बच्चों का, युवाओं का रक्षा करने के लिए जिसको हमने यहाँ से सदन में भेजा, लक्ष्मण गिलवा जी, अगर हम उसकी बात करें तो पिछले 5 वर्ष में ये चौकीदार हम लोगों को क्या किया, यहाँ के जमीन हमारा CNT SPT Act उसमें छेड़छाड़ किया, लैंड बैंक के नाम पर, पता नहीं मैंने तो कभी नहीं सुना था कि कोई लैंड बैंक भी होता है। बैंक का मतलब हम लोग इतने ही जानते थे कि क्या होता है, जहाँ पैसे की लेन देन होती है, जहाँ हम लोग पैसा जमा करते हैं, लेकिन ये सरकार है जो लैंड बैंक बनाती है, आप ही का जमीन आपसे छीन करके लैंड बैंक बनाती है, तो कल को क्या आपके बच्चों को जमीन चाहिए होगा तो ये देगी? ये बिल्कुल नहीं देगी, बल्कि बड़े बड़े उद्योगपतियों को ये दे देगी, आपके गांव घर में बड़े बड़े उद्योग धंधे लग जाएंगे, आपको विस्थापित कर देगी, आपको आप ही के जमीन से भगा देगी। तो इस बार की लड़ाई कोई सत्ता की लड़ाई नहीं है, इस बार की लड़ाई हमारे मान सम्मान, हमारे खासा भाषा की लड़ाई है, और इस लड़ाई में मैं हमारे तमाम हमारे गठबंधन के साथियों से ये कहना चाहूँगी कि इस बार जो अस्तित्व की लड़ाई है उसमें हम लोगों का साथ दें, ताकि हम लोग यहाँ के लोगों का मान सम्मान बना के रखें, हमारी माताओं बहनों के लिए हम सभी एक हो, हमारे बच्चों के भविष्य के लिए एक हो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि बहुत कम समय है, बाकी बातें हम लोग आपके बीच में आकर फिर करेंगे, इन्हीं शब्दों के साथ पुनः 12 तारीख हम लोग भूले नहीं, 12 तारीख को हम लोगों को अपना बहुमूल्य वोट किसमें देना है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और 1 मिनट का समय बचा है, मैं JBM के जो जिला के कोऑर्डिनेटर हैं दुर्गा सुरेन जी से मैं आग्रह करूंगा, आप आकर धन्यवाद ज्ञापन करें, समय का अभाव है, सभी महागठबंधन के साथियों को मैं क्षमा चाहता हूं, और दुर्गा सुरेन जी अपना धन्यवाद ज्ञापन करेंगे। महागठबंधन के वरिष्ठ नेतागण और क्षेत्रों से आए हुए वीर योद्धागण, आप लोगों ने अपना बहुत समय निकाल कर किसी समय से शिलाती रूप में दिया, और जो हमारे नेतागण ने भी अपना बहुमूल्य समय निकाल कर लेकर आए, और सीता माता जी को जिताने के लिए आपको संदेश दिए, इनका मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ, और आप सब लोगों को भी, आप लोगों ने जो बहुमूल्य समय दिया इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। जय JBM, जय महागठबंधन, बहुत बहुत धन्यवाद। और कार्यक्रम जैसे कि आप समझ जानते हैं कि 4 बजे तक का परमिशन है, और समय अनुसार हमारा कार्यक्रम यही समाप्त होता है। सभी महागठबंधन के सभी दल के नेताओं का, कार्यकर्ताओं का हम दिल से आभार करते हैं, धन्यवाद करते हैं। जय कांग्रेस, जय JBM, जय JBM, जय RJD, महागठबंधन एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद।
जिंदाबाद 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 किका कोला जिंदाबाद 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 किका कोला जिंदाबाद 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 इतना तो मेरी रह गया ना झंडा मानना पड़ेगा।